संकट की इस घड़ी में अपने परिजनों की चिंता में डूबे लोग जब अपने घर जाने के लिए इधर से उधर भटक रहे थे, तभी कुछ लोगों को इसमें भी पैसा कमाने की लगी हुई थी। इसी के चलते उन्होंने अवैध रूप से लॉकडाउन के दौरान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 2 से 2500 की रकम लेकर पास बनाने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट के तमाम जिम्मेदार लोग जैसे SDM, तहसीलदार, थाना प्रभारी की फर्जी सील बना ली और उन्हीं के हस्ताक्षर करके पास बनाने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। पुलिस ने IPC की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसमें 2 आरोपी सूरज तिवारी जो कि बैकुंठपुर का रहने वाला है, सुरेंद्र सोंधिया रीवा के अस्पताल चौराहे के पास का रहने वाला है, को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है इस मामले में कलेक्ट्रेट के कुछ कर्मचारी भी पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं, यह तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। इस बारे में हमने CSP रीवा शिवेंद्र सिंह से बातचीत की, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। अरे यार स्क्रिप्ट बता दे, ले लीजिए ना। पटेल इनका नाम है, रहने वाले हैं ग्राम बांस, थाना गढ़ के रहने वाले हैं। तो इनको किसी काम से, जरूरी काम से बम्बई जाना था। ये पास बनवाने कलेक्ट्रेट आए हुए थे। तो एक सूरज तिवारी नाम के जो है वेंडर हैं जो कलेक्ट्रेट के पास बैठते हैं, इनसे इनकी मुलाकात हुई होगी। तो सूरज तिवारी ने कहा कि हम आपका पास बनवा देंगे, और पास बनवाने के नाम पर उनने उनसे 1400 रुपये भी ले लिए। उनके साथ में एक सुरेंद्र सोंधिया नाम के सज्जन थे जो अस्पताल चौराहे के रहने वाले हैं। इस तरह से उन्होंने पैसे लेकर के और पास बनवा के इनको एक दो दिन में वापस दे दिया। बाद में इनको दिनेश पटेल जी को शंका हुई कि हम पहले पास को, हो सकता कहीं पास फर्जी ना हो, तो वो चेक करवाने थाना सिविल लाइन पहुँचे। सिविल लाइन थाना प्रभारी शिवपूजन बिसेन को भी पास देख कर शंका हुई, और शंका होने के उन्होंने कलेक्ट्रेट से उस पास को जब सत्यापित किया तो पता चला ये पास पूरी तरह से फर्जी है। इसमें जो सील लगी है उस सील का इस्तेमाल भी कलेक्ट्रेट में नहीं होता है, और हस्ताक्षर भी कलेक्ट्रेट किसी अधिकारी के नहीं है। तो इस सत्यापन के आधार पर थाना सिविल लाइन में धारा 420, 467, 468, 471 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात सूरज तिवारी और सुरेंद्र सोंधिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कुछ फर्जी सील वगैरह भी जब्त हुई हैं, ये पूछताछ की जा रही है, और हो सकता है कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो जाएँ हों, और जैसे ही सब लोग और अपराधी पकड़े जाएंगे इसका हम खुलासा मीडिया के सामने अलग से करेंगे। सर, इसमें एक पास का कितना पैसा लेते थे? अभी जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई है उन्होंने बताया कि उनसे 1400 रुपये लिए गए थे। 2000 रुपये पहले मांगे गए थे, बाद में 1400 रुपये उनको दिए गए थे। लगभग सर कितने पास बनाए होंगे? अब देखिए, पहली शिकायत है, और निश्चित रूप से और बहुत सारे पास इनने बनाए होंगे, हम लोग पता लगा रहे हैं। जितने अधिक से अधिक, मैंने जितने भी पास इसके पहले बने हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अधिक से अधिक मामले पकड़ें। सील कौन कौन से अधिकारी की मिली है इनसे? अभी तक तो अब 3 सीलें मिली इनके पास से, और एक थाना प्रभारी की है, एक पुलिस अधीक्षक की है, और अभी कुछ और सीलें जो है हम लोग अभी इनके घर की तलाशी लेंगे, हो सकता है और सील मिलने की संभावना है। जो पकड़े गए हैं उसमें कौन कौन से, कहाँ कर्मचारी हैं सर? नहीं, कर्मचारी नहीं है इसमें। एक सूरज तिवारी नाम का स्टाम्प वेंडर है जो बैकुंठपुर का रहने वाला है, और एक उसी का साथी है, उसका नाम सुरेंद्र सोंधिया है।